नमस्कार, दृष्टि आईएएस के ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वह है एएसआई। जान लेते हैं एएसआई के बारे में। एएसआई का पूरा नाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है। यह राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और इसका नोडल मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब समझ लेते हैं इसकी गतिविधियां और कार्यों के बारे में। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना, पुरातात्विक अन्वेषण और खुदाई, संरक्षित स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का रखरखाव और संरक्षण, स्मारकों पुरातन अवशेषों का आर्किटेक्चरल सर्वे और रासायनिक संरक्षण, साइट संग्रहालयों की स्थापना और पुनः संगठन, पुरातत्व में प्रशिक्षण और पुरालेख व मुद्रा शास्त्र का अध्ययन, भारत के बाहर पुरातात्विक अभियान, प्राचीन स्मारकों और साइटों के आसपास बागवानी, प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 का कार्यान्वयन और विनियमन, और पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का विनियमन। अब जान लेते हैं एएसआई के संरचनात्मक ढांचे के बारे में। इसमें एक महानिदेशक, एक अतिरिक्त महानिदेशक, दो संयुक्त महानिदेशक और 17 निदेशक शामिल हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे देश को 24 सर्किलों में बांटा गया है। प्रत्येक सर्कल का नेतृत्व सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट करता है। विशेष पुरातात्विक शोध करने के लिए इसमें 6 उत्खनन शाखाएं हैं। प्रागैतिहासिक शाखा, भवन सर्वेक्षण परियोजना, मंदिर सर्वेक्षण परियोजनाएं, एपिग्राफी शाखाएं, विज्ञान शाखा और अंडर वाटर पुरातत्व विंग। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। भारत में पुरातत्व और ऐतिहासिक खोजों की शुरुआत का श्रेय विलियम जोन्स को जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कनिंघम 1861 में पहले पुरातत्वीय सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त हुए थे। लॉर्ड कर्जन ने सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत किया। स्मारकों की सुरक्षा के संबंध में सबसे प्राचीन अधिनियम स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 है और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय महानिदेशक एनपी चक्रवर्ती थे। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।